किसान अंदोलन के कारण पंजाब के नाल हरियाणा के बॉर्डर सील किए गए थे। उस दे विच समाणा कैथल सड़क से टटियाणा का जिहड़ा घग्गर का पुल है उत्थे आवाजाई बिल्कुल बंद थी। क्यों तुसीं देख रहे हो इत्थे प्रशासन ने बिल्कुल रस्ता बंद करता सी, बसा नहीं आती ना कार आ सकती सी। घग्गर का पुल है असीं दिखा रहे हैं तुहानूं। इत्थे लोगों की एक महीने बाद राहत मिलने जा रही है, अज शाम तक ये रस्ता खुल जाना है और अधिकारियों वालों इसकी पुष्टि की गई है। कल विधायक इस इलाके के गुला चीके के विधायक ईश्वर सिंह इत्थे आए, उन लोगों ने लोगों की तकलीफों को भी समझा और उन्होंने आदेश दिए भी इत्थे अज रस्ता खुल जाना है। इस रस्ते के खुलने नाल कितनी राहत है, लोग देखो आ रहे हैं, किसी ने कैथल तो पटियाले जाना है, किसी ने जाना है। भाई साहब आज ये रास्ता खुल रहे, क्या कहेंगे आप? बढ़िया जी, रास्ता खुल जाए, बहुत प्रसन्नी है जी। आपको कितने दिन से मुश्किल आ रही थी? मेरे 2 महीने हो गए, मन तो बहुत तंग हो रहे हैं। तंग हो रहे हैं जी, बहुत ज्यादा तंग हो रहे हैं। आज रास्ता खुल जाएगा इन पटियाला, तो आज ये रास्ता 2 घंटे जब वापस आएंगे तो ये रास्ता खुला मिलेगा आपको? कोई बात नहीं, देख लेंगे सर। कितनी राहत मिलेगी आप लोगों को? बढ़िया, रस्ता खुल रहा है, लोगों को रस्ता खुलन नाल कितनी राहत मिलन जा रही है। 1 महीने तो बदसम हो गए सरदार जी, ये रस्ता आज खुल जाना है, जब बंद था 1 महीने तो। ओ मेहरबानी जी, खुल जाएगा था। परेशानी तो है ही, देख रहे हो तुसी भी कितनी परेशानी है लोगों को। तुसी केड़े पिंड तो हो इधर? मैं तो करतारपुर तो हूं जी। हां, तो इधर मतलब जाना मुश्किल है? नहीं, मेरी बेटी आ रही है इधर, उन्हें लेने आए हैं पटियाले से, तो चंडीगढ़ तो आ रही है। ठीक है, पर आज ਤੁਸੀਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹੋ ਵੀ ਕੁਝ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ ਇਸ ਰਸਤੇ ਕੈਪਰ ਸਾਹਿਬ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਰਾਤ ਤੇ ਮਿਲੇਗੀ ਫਿਰ ਜੇ ਖੁੱਲ ਗਿਆ। ਕਿੱਧਰੋਂ ਆਉਂਦੇ ਹੋ ਪਟਿਆਲੇ ਤੋਂ? ਹਾਂਜੀ ਸਰ। ਜਾਂਦੇ ਕਿੱਥੇ ਇੱਥੇ ਡਿਊਟੀ? ਗੁੱਲਾ। ਗੁੱਲਾ, ਹਾਂਜੀ। ਅੱਜ ਇਹ ਰਸਤਾ, ਅਬ ਤੋ ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਹੋ, ਵਾਪਸ ਜਾਓਗੇ ਤਾਂ ਆਪ ਨੂੰ ਖੁੱਲਾ ਮਿਲੇਗਾ ਰਸਤਾ। ਰਸਤਾ ਖੋਲ ਰਿਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ। ਥੈਂਕਸ ਗੋਡ, ਬੜੀਆ ਰਾਤ ਮਿਲੇਗੀ ਪੂਰੀ। ਬਿਲਕੁਲ, ਨੈਚੁਰਲੀ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕਿੰਨਾ ਮਤਲਬ ਔਖੇ ਹੋ ਰਹੇ ਆ ਆਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਨਾ, ਇਹ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇਸ਼ੂ ਸੋਲਵ ਹੋਏਗਾ। ਠੀਕ ਜੀ ਸਰ। ਹਾਂ, ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਰੂਟ ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਹੋ? ਐਸੇ ਰੂਟ ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਪਟਿਆਲਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ 1 ਮਹੀਨੇ ਤੇ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਸੀ, ਸਵਾਰੀਆਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਸੀ? ਹਾਂਜੀ, ਸਵਾਰੀਆਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਸੀਗੇ ਜੀ। ਅੱਜ ਰਸਤਾ ਹੀ ਖੁੱਲ ਜਾਏਗਾ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ? ਦਿੱਕਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਵਿੱਚ, ਬਿਮਾਰ ਲੋਕ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਕਈ ਵਾਰੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਉਧਰ ਘੁੰਮ ਘੁੰਮਾ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜੀ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਦੀ, ਸਵਾਰੀ ਵਿੱਚ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਦੇ ਵੀ। ਜਿਵੇਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਹੁਣ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ ਸਵਾਰੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਪੁਲ ਪਾਰ ਕਰਨਾ ਵੀ ਔਖਾ ਹੈ, ਦਿੱਕਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਹਾਂ, ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਰਸਤਾ ਖੁੱਲ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ, ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਰਸਤਾ ਖੋਲ ਰਹੇ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਪਬਲਿਕ ਨੂੰ ਸਹੂਲਤ ਮਿਲੇਗੀ। ਹਾਂਜੀ, ਕੀ ਗੱਲ ਆ ਜੀ, ਖੋਲ ਦੇਣਗੇ? ਕਿਉਂਕਿ 1 ਮਹੀਨਾ ਹੋ ਗਿਆ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਆ ਰਹੀ ਸੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ, ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਹੈ। ਹੁਣ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਉਦਣ ਅਸੀਂ ਦਵਾਈ ਦਵਾਉਣ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਪਟਿਆਲੇ, ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਜਾਣਾ ਪਿਆ, ਸੱਟ ਲੱਗੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਮਰ 'ਚ, ਪਿੱਠ 'ਚ। ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਸੀ? ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਆਮ ਜਨਤਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਚੱਲ ਹੀ ਰਿਹਾ ਜੋ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ। ਠੀਕ, ਓਕੇ ਜੀ। ਬਾਰਡਰ ਤੋਂ ਆਜ ਮੇਰੀ ਬਾਤ ਹੋਈ ਆ ਵੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਥਾ, ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਜੈਸੇ ਆਪਕੋ ਬਤਾਇਆ ਕਿ ਬਈ बस सेशन चलता रहा। सेशन के बाद हमारा गुरु रविदास मंदिर का प्रोग्राम आ गया, 3 दिन उसमें रहा और मुझे फ़ोन 1-2 बार आए हैं, परंतु आज मैं आया हूँ काफ़ी दिन के बाद। मुझे महसूस हुआ जो जनता ने मुझे जो है ना करके लोगों ने बताया कि पब्लिक को समस्या बड़ी है और मरीज़ आदमी या एम्बुलेंस भी जाने का रास्ता नहीं है। मैं आज साइट पर आकर के देखा तो वाकई सही है और लोगों ने जो दिक्कतें सही तकलीफ हुई उसकी मैं माफ़ी भी चाहता हूँ, परंतु हमों को खुशी में नहीं, लाचारी और मजबूरी थी, सुरक्षा की दृष्टि से ये जो है ऐसा करना पड़ा। और आज आधा रास्ता आज से शुरू हो जाएगा, रात तक रास्ता खुल जाएगा। बिल्कुल नहीं भाई, वो तो साक्षात प्रमाणित है कि 4 बजे जो है ना मैसेज मैंने दिया जो है ना DGP को भी, होम सेक्रेटरी को भी, और उसके बाद 15 मिनट में इम्प्लीमेंट हो गया। 15 मिनट के बाद 20 मिनट में मैं 20 मिनट में यहाँ भी आ गया मैं तो। आज रात को ही खोल देंगे, जो है ना खोलने में थोड़ी जो कठिनाई है या कोई तारे तुरे हटानी है या मशीन बुलडोजर इधर उधर करना, उसमें समय लगेगा। अब तो खुल गया, अब तो मैं आकर के लोगों को कह रहा हूँ कल तक सुविधा मिल जाएगी आपको। मैंने उस समय भी जो है लोगों ने कहा कि ये हाथी बांध रखा है, वर्डिंग थी लोगों की, इसका कोई मायने नहीं, इसका कोई जो है ना मतलब नहीं। हाँ, और सरकार को चिट्ठी भी लिखी, डिटेल में बताया भी कि इसके कोई मायने नहीं है, इसको यहाँ से हटाया जाए, ये किल्लत है, दिक्कत है, यातायात सुविधा के अंदर फ्रीक्वेंसी यह नहीं हो सकती। तो उस टाइम भी सरकार ने मान लिया और उसी टाइम उसको इमीडिएट हटा दिया गया था, बोलते थे इसको। अज रस्ता खुलन जा रहा है, इस दे नाल लोगों नूं राहत मिलेगी, क्योंकि 1 महीने तो बद समा हो गया है, इस रस्ते नूं बंद सी जिस करके लोग परेशान सन। इस रस्ते दे खुलन नाल समाणा तो कैथल, संगरूर तो बठिंडे साइड तो जो ट्रैफिक है वह जिन्हें कैथल जाना है, जींद जाना है, कुछेत्र जाना है, उस उन लोगों नूं भारी राहत मिलेगी। बसा भी बंद सी,
बसा हरियाणा की इस बोर्ड इतने तार दें घग्गर पुल से पंजाब जाने वाले मुश्किल है, पंजाब हरियाणा जाने वाले मुश्किल है, लेकिन हरियाणा प्रशासन वालों लोगों की मुश्किल को देखते हुए एक महीने बाद आज इस रस्ते को खोलिया जा रहा है। पुलिस अधिकारी ने पुष्टि की है, विधायक इस इलाके के कल आए थे उन्होंने भी पुष्टि की है भी ये रस्ता अज शाम तक पूरी तरह खुल जाएगा और लोगों को राहत मिलेगी। कैमरामैन प्रथम के नाल पुरशोत्तम कौशिक, समाणा न्यूज़।